हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। रियलमी 6 के बारे में आपको अंदर के पार्ट के बारे में बताऊंगा और क्या क्या इसके अंदर खासियत है मैं आपको बताऊंगा, इसका मेगा पिक्सल बैटरी, और आपको इसके अंदर ये भी मैं बताऊंगा जो रियलमी 6 और प्रो में क्या खासियत है, कौन सा लेना चाहिए, इसके अंदर प्राइस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मेरा हाथ में है रियलमी 6 का, इसका प्राइस आप देखोगे तो 13,000 का आ जाएगा पीस आपको, 4 GB रैम वाला और 64 स्टोरेज, और दूसरा एक 16,000 का आएगा 8 GB रैम और 128 GB वाला आएगा, और दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला स्टार्टिंग मैं आपको यहां से करता डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले देखेगा तो ये HD डिस्प्ले दिया हुआ है, फुल डिस्प्ले दिया हुआ है। इसका इंच आप देखेगा तो 6.5 दिया हुआ है डिस्प्ले, और पंच होल दिया हुआ है डिस्प्ले के अंदर, जो कैमरा इसके अंदर रहता है साथ में। इसका मेगापिक्सल आप चेक करोगे तो 16 मेगापिक्सल है, 16 मेगापिक्सल है फ्रंट सेल्फी कैमरा। और इसके अंदर स्ट्रिप दिया हो साइड में, ये स्ट्रिप इस वजह से दिया जो नीचे के अंदर के जो वाइब्रेशन माइक एयरफोन टैप सी उसके अंदर सब कनेक्ट रहता है, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिप दिया। ये डिस्प्ले की स्ट्रिप देखेगा तो ये डिस्प्ले का साथ में दिया हुआ, और एयरफोन पर जो आप बात करते कॉलिंग पर तो ये स्पीकर साइड में दिया है। नेटवर्क केबल दिया हुआ साइट में, और इसके अंदर वॉल्यूम बटन अप डाउन के लिए दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैटरी के बारे में। बैटरी के अभी आप देखेंगे तो MAH इसके अंदर आप देखोगे तो 4300 mAh है, और जो 6 प्रो है उसके अंदर भी MAH बैटरी उतना ही है, और 6 प्रो में जैसा इसके अंदर 6.5 है उसके अंदर 6.6 है। नीचे का भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या रहता है, जैसे टैप सी पिन जो रहता है आप चार्जिंग करते ये दिया हुआ है, नेटवर्क का जो केबल रहता है जो नेटवर्क आता है इधर से आ रहता है, और जो स्ट्रिप की बात की ये कनेक्ट इसके अंदर होता है, और ये एयरफोन का दिया, और माइक का आप देखोगे तो नीचे दिया, मेटल के नीचे दिया हुआ है, और ये स्पीकर का दिया है, इसका कनेक्शन इसके नीचे ही दिया है क्योंकि जब इसके ऊपर पैक होता है तो यहाँ कनेक्ट होता है, तो ये लाउड स्पीकर आपका कॉलिंग का चलता है। इसकी बात करेंगे तो ये पीछे का बैक पैनल फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक का है, डिज़ाइन आप चेक करोगे तो एकदम स्मूथ दिया है, रियलमी लिखा हुआ है। रिंग की बात करेंगे तो रिंग में ऐसा कुछ नहीं, ये भी प्लास्टिक का ही दिया हुआ है, वॉल्यूम बटन का प्लास्टिक का दिया, सिम स्लॉट दिया हुआ है, ये पत्रा का दिया हुआ है, और लास्ट में ये पूरा जितना भी कॉर्नर के इधर देखेंगे तो नेटवर्क का दिया है। और इसके अंदर खासियत ये दिया है कॉर्नर के तरफ जैसा आपका स्विच ऑफ बटन रहता है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है, जैसा सोनी का एक्सप्रिया फ़ोन आता है तो उसके अंदर जैसा देता हो इसके अंदर दिया रियलमी का। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसा फिंगरप्रिंट दिया हुआ है इसके अंदर स्विच ऑफ बटन में, और ये स्विच ऑफ बटन दिया हुआ है अलग से, मतलब दोनों चीज़ अलग है, इनकेस कभी आपका ख़राब होता है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये पीछे से रहेगा तो आप पुश करेंगे तो क्लिक होता है। और मदरबोर्ड भी बता देता हूँ मैं आपको, मदरबोर्ड में क्या क्या खासियत है। मदरबोर्ड भी इसका स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, 4 GB रैम वाला है, 64 स्टोरेज है। इसके अंदर दो मॉडल आता है, 128 GB वाला आता है और एक 64 GB वाला आता है। प्राइस की बात करेगा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2,000 के आसपास ही है। सेल्फी कैमरा आप देखोगे तो इसके अंदर 16 मेगापिक्सल है, और फ्रंट में आप चेक करेंगे तो ये वाला भी कैमरा एकदम अलग है। तो मेन कैमरा रियल कैमरा कितना है, 64 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा क्वाइट कैमरा है, और ऊपर का आप देखोगे तो 8 मेगापिक्सल है, इसके अंदर अल्ट्रा वाइट है, और दो कैमरा जी है, 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट शॉट कैमरा दिया हुआ है। और सेंसर की बात करेंगे तो कॉलिंग जो सेंसर होता है साइट में ही दिया हुआ है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा के लिए जो रहता है ऑटोमेटिक होता है ये इससे ही होता है। सिम स्लॉट दिया है डबल, और मेमोरी कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पे नए होएगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो आपको कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।